हेलो एंड वेलकम टू टेक्नो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। मैं हूँ अतार हाशमी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं पीसीएम ट्यूनर के बारे में, आपको जानकारी देंगे। तो ये पीसीएम ट्यूनर का किट है, इसका सबसे पहले अनबॉक्स कर लेते हैं। इसके साथ में एक यूएसबी केबल आता है, ये इसकी पिन आउट केबल है जिसके द्वारा हम किसी ईसीएम को कनेक्ट करेंगे। ये ओबीडी पोर्ट के लिए स्कैनर, मतलब ओबीडी कनेक्ट करने के लिए भी इसमें आपको दिया रहता है, ताकि आप अपने पीसीएम ट्यूनर को ओबीडी के साथ कनेक्ट कर सकें। ये दो चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट है इसकी, इसके बिना ये जो पीसीएम ट्यूनर है ये काम नहीं करता। ये इसका यूएसबी डोंगल है, इसको गार्डेंट भी बोलते हैं, और ये इसका बोर्ड है जिसके साथ आप कनेक्ट करके। यहाँ पे दो चीज़ें लिखी हुई आपको अगर दिख रही हो तो, एक GBD T1 और GBD T2। ये इसका मेन बॉक्स है पीसीएम टूल का, और ये है इसका अडाप्टर। इसके साथ आपको सीडी भी मिलती है, लेकिन सीडी जो है अब आउटडेटेड हो चुकी है, बट फिर भी इस सीडी में आपको सॉफ्टवेयर मिल जाता है। तो अगर आपके पास सीडी ड्राइवर हो तो आप सीडी ड्राइवर के द्वारा इसका इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये जो इसका यूएसबी डोंगल है इसे पुट कर दे रहा हूँ, तो ऐसा टिंग टोंग टोंग आवाज़ आएगा आपके कंप्यूटर में। दूसरा आपका ये है पीसीएम टूल, तो इसमें आपको ये यूएसबी केबल लगा देनी है, फिर से कंप्यूटर बोला टिंग टांग टूंग, और तीसरा जो है आपका एडाप्टर है उसे लगाना है। वैसे हम लोग इसको चाइना प्लग बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली में बहुत अच्छा प्लग होता है ये। क्या है, फिक्सिंग जो है बहुत प्रॉपर आती है इसमें, इससे प्लग जो है कभी हिलता नहीं है। इसको आप प्रॉपरली फिक्स कर दें, और अब इस अडाप्टर को आप यहाँ पर पावर सप्लाई पर लगा दें लाइक दिस। तो आपके जो पीसीएम ट्यूनर है इसमें लाइट जो है वो जल जाएगी, आपको ये दिखाई दे रही होगी लाइट। अब इसे आप प्रॉपरली रख दें, ये पीसीबी हम लगाएंगे जब हम काम करेंगे तब। तो जैसा आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये चार सॉफ्टवेयर्स हैं। एक है GRD ड्राइवर्स, GRD का मैंने आपको मीनिंग बताया, ये गार्डेंट है जो आपको यूएसबी का की जैसा दिख रहा था, ये उसका ड्राइवर है, और इसको मैंने कल ही डाउनलोड किया है, तो बहुत आसान है, आपको इंटरनेट पर मिल जाएगा। ये इसका ओपन पोर्ट सेटअप है, जो ओपन पोर्ट वाला ड्राइवर डलता है। पीसीएम फ्लैश का मेन सॉफ्टवेयर है, और ये आपको लास्ट में इंस्टॉलेशन करना है, वो है स्कैनमैटिक सॉफ्टवेयर। तो ये चारों सॉफ्टवेयर जब आप इंस्टॉल कर देंगे तो आपको यहाँ पे पीसीएम फ्लैश की लिंक मिल जाएगी। आप इसे ओपन करेंगे तो ये अगर खुल रहा है, का सीधा सीधा मतलब ये है कि आपका जो यूएसबी है वो डला हुआ है स्क्रीन पे, मतलब सॉरी आपके कंप्यूटर सिस्टम पे। और ये स्कैनमैटिक आपको जो दिख रहा है यूएसबी, ठीक है, ये स्कैनमेटिक के लिए है। ये एक यूएसबी ड्राइवर डलता है यहाँ पे, और दूसरा जो गार्डन ड्राइवर मैंने डाल के रखा है यहाँ पे, वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ये गार्डन डोंगल का आपको ट्री दिखाई दे रहा होगा, ये लिखा हुआ है यहाँ पे गार्डन डोंगल। तो अब इस सॉफ्टवेयर पे काम कैसा करना है, और ये जो स्कैनमेटिक है ये क्या चीज़ है, ठीक है, दूसरा और तीसरा जो हमने डाल के रखा है वो है कन्फिग्रेशन, इसका फाइल है, ये कन्फिग्रेशन कैसे करते हैं, तो ये तीन चीज़ें हमारे पास में है। ओके दोस्तों, तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन हो गया है। अब ये महिंद्रा का 17C55 ECM है हमारे पास में, इसकी हमने वायरिंग जो है ये कर दी है। आप जैसा कि स्क्रीन पे वायरिंग डायग्राम भी देख सकते हैं, और उसी के मुताबिक मैंने यहाँ पे लगा दी है। तो आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, कई बार कलर अगर आपको नहीं मिलता हो तो यहाँ पे छोटा सा जो लिखा रहता है ना, GPT1 है, तो GPT1 केबल आपको कहाँ लगाना है, पिन नंबर के अकॉर्डिंग आपको देख देख के लगाते जाना है। मैं आपको एक एग्जांपल से यहाँ पे बता दे रहा हूँ। तो ये आपका यूएसबी में इस तरीके से लगा हुआ है, ये इसका बेंच बॉक्स है, और ये आपका पीसीएम ट्यूनर है जो कि चालू है, आप देख सकते हैं अभी भी लाइट इसकी ऑन है। अब हम जाएंगे सॉफ्टवेयर में। सॉफ्टवेयर को आपको कभी भी अपडेट नहीं करना है। अब यहां से हम चुनाव करेंगे आपके ईसीएम का। ईसीएम का जो ट्राइकोर है, आप एक को एक बार दिखा देता हूं मैं यहां पे, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है TC1767, मतलब TC17167। आपको ये मैं इसलिए पढ़वा रहा हूं क्योंकि एग्जैक्टली यही यहां पे प्रोसेसर वाली जो लिस्ट है आपको सेलेक्ट करनी है। इसके अलावा अगर आप कोई दूसरा यहां पे प्रोसेसर लिस्ट सेलेक्ट करेंगे तो ये आपका काम नहीं करेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखिए यहां पे ये सभी EDC 17 है, लेकिन आपको केवल इसी सीरीज में जाना है 1767 में।
अब आपको इसका अगर फ्लैश पढ़ना है तो आप फ्लैश पे क्लिक करिए, अगर ई प्रोम पढ़ना है तो आप ई प्रोम को सेलेक्ट करिए और यहाँ पे आपको दबा देना है रीड बटन। तो ये सबसे पहले ईसीएम के साथ में कम्युनिकेट करेगा, यहाँ से एक सवाल पूछेगा वुड यू लाइक टू यूज ऑटोमेटिक पावर कंट्रोल, तो आपको यहाँ पे यस कर देना है। अब ये ईसी से संपर्क बना रहा है, यहाँ पे ये सक्सेसफुली हो चुका है और आपको यहाँ पे फाइल जो है सेव कर देनी है, कोई भी आप नाम लिख के यहाँ पे सेव कर सकते हैं। अगर आप फ्लैश फाइल को भी पढ़ना चाहते हैं तो आप फिर से यहाँ पे चुनिए फ्लैश, सीरीज आपकी सेम होनी चाहिए, चेंज नहीं करनी है, रीड बटन पे दबाइए और यहाँ पे पूरा कंट्रोल दे दीजिए सॉफ्टवेयर को और आपका जो फ्लैश फाइल है वो भी यहाँ से पढ़ा जाएगा। अब फ्लैश फाइल चूंकि बड़ी होती है तो उसको होने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। जैसे कंप्लीशन हो जाए तो आपको यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक कर देना है, ओके, और आप इसे क्लोज कर दीजिए और खुश हो जाइए कि आपका जो काम है वो सफलतापूर्वक समाप्त हुआ। तो कैसा लगा वीडियो आप हमें कमेंट सेक्शन पे बताइए और हमारे इस इंस्टीट्यूशन के साथ आप बने रहिए। अगर आपको किसी भी ईसीएम का डाटा रीड करना हो तो आप हमें संपर्क करिए, नीचे कमेंट सेक्शन पे हमें बताइए, हम उस पर वीडियो बना के आपको ज़रूर देंगे। थैंक यू वेरी मच, सी ऑन द नेक्स्ट वीडियो।